जनपद सीतापुर सहित समूचे उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो धान क्रय केंद्र हो, चाहे वो गन्ना क्रय केंद्र हो, और चाहे DAP सहित अन्य खाद की समस्या हो, कोई भी देखने वाला नहीं। आज धान क्रय केंद्र गल्ला मंडी सीतापुर में जहाँ पे 11 क्रय केंद्र चल रहे हैं, सभी पे अवैध रूप से तौल हो रही थी। गल्ला मंडी से ही धान खरीद करके बिचौलिए धान क्रय केंद्रों पर उसे बेच रहे थे। सूचना मिलने पर इस बात की सूचना मेरे द्वारा उपजिलाधिकारी सदर सीतापुर को देने के लिए कॉल की गई, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। उसके अलावा जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, किसी ने भी इस बात की तवज्जो नहीं ली। कहना चाहता हूँ, जब इस तरह की घटनाओं पर सूचना देने पर भी कार्रवाई नहीं होती, इसका सीधा सा मतलब है कि सभी इस घोटाले में संलिप्त हैं और सभी का इस घोटाले में हिस्सा निर्धारित है। साथ ही धान क्रय केंद्र के अलावा गन्ना की भी शुरुआत हो चुकी है, गुड़बेल और क्रेशर। जब शासन द्वारा 350 रुपये गन्ना मूल्य निर्धारित है तो कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन फिर भी इन लोगों पे प्रशासन को चाहिए कि गन्ना किसानों का गन्ना 300 रुपये से कम कहीं भी किसी भी तरीके पे न बिके और न खरीदा जाए। कहना चाहता हूँ, DAP से लेकर के अन्य सभी भी किल्लतें जो भी हैं वो सभी की नज़रों में हैं। बार बार गुहार करने पर भी कहीं किसी की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा। सीतापुर में बताया गया है कि यहाँ के कई सहकारी समितियों द्वारा भंडारण कक्ष में DAP उपलब्ध है और उसके बावजूद भी किसानों को किसी भी कीमत पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही घोर अन्याय है। मैं जिला प्रशासन सीतापुर को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में अविलंब ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में बहुत ही जल्दी बहुत ही शीघ्र धरना स्थल सीतापुर पर अनिश्चितकालीन धरना इस प्रकरण पर शुरू किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।